आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं भरवा आलू स्टफ पोटैटो। चलो शुरू करते हैं। हम सबसे पहले आलू लेंगे, उसके अंदर हम हॉल करेंगे। इस तरह से हॉल कर देंगे, अंदर से इस तरह से हम हॉल करते जाएंगे। हमारा हॉल का बड़ा होना चाहिए, ताकि हमारा जितना बड़ा हॉल होगा हमारी स्टफिंग उतनी अच्छी होगी आलू की। इस तरह से हम हॉल कर देंगे सभी में, अच्छी तरह से हॉल करना। हम प्याज सर्व कर लेंगे। बारीक बारीक चॉप कर लेंगे इस तरह से। भरवा आलू के लिए हमें चाहिए, हमने यह चार आलू लिए हैं, 3 से 4 प्याज कटा हुआ, 50 ग्राम पनीर, 1 गाजर कटा हुआ, लहसुन अदरक, हरी धनिया, लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर, कसूरी मेथी, धनिया पाउडर, हल्दी, अमचूर पाउडर, जीरा, नमक। हॉल किए हुए आलू, इसको 5 मिनट के लिए हम बॉईल कर देंगे। इसमें हम आधा चम्मच नमक और आधा चम्मच हल्दी डाल के हम बॉईल कर लेंगे। ये हमारे आलू हाफ बॉईल हो चुके हैं, आपने पूरा कुक नहीं करना, हाफ बॉईल करना है इस तरह से। और कलर देखो कितना अच्छा आ चुका है, हाफ बॉईल हो गए। अब हम कढ़ाई में तेल डाल लेते हैं 3 चम्मच। अब हम जीरा डाल देते हैं 1 चम्मच जीरा, ढेर सारा प्याज डाल देते हैं। अब हमारा प्याज ब्राउन हो चुका है, अब हम इसमें गाजर डाल देंगे। अब हम इसमें पनीर डाल देंगे, 1 चम्मच नमक डाल देंगे, 1/2 चम्मच ब्लैक पेपर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच अमचूर पाउडर, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अब हम इसको ऊपर से कसूरी मेथी डाल देंगे अच्छी खुशबू के लिए और अच्छा टेस्ट के लिए। और ऊपर से हम धनिया, हरी धनिया, फ्रेश धनिया डाल देंगे। अब हमारा स्टफिंग तैयार है। अब हम अपना स्टफिंग को, इसको हम आलू में इस तरह से भर देंगे, अच्छी तरह से भर देंगे। अब हम पैन में 2 चम्मच तेल ले लेंगे। अब हमारे भरे हुए आलू थे, इसको हम फ्राई कर लेंगे। अब हम इस तरह से इसको हम ब्राउन होने तक इसको हल्का साइड बदलते हुए चारों साइड से हम ब्राउन करेंगे। अब हमारे ब्राउन हो चुके हैं चारों तरफ से, देखिए अच्छी तरह से ब्राउन हो चुके हैं। अब यह रेडी है। अब हमारा भरवा आलू रेडी है।